नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सुनीता जी जुड़ रहे हैं, जो पिछले 35 सालों से डेरा सच्चा सौदा में जा रहे हैं। उनसे जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा का एक्चुअली में माहौल कैसा है, सिंह डॉक्टर गुरमीत राम रिम सिंह जिनसा का नेचर कैसा है, सीधे उनसे बातचीत आपको दिखा रहे हैं। सुनीता जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। धन धन सतगुरु से रही आसरा। सुनीता जी, पिछले 35 सालों से आप आ रहे हो यहाँ। हाँ जी। कितनी बार आप गए होंगे डेरा सच्चा सौदा में, आश्रम में? गिनती तो है ही नहीं कोई, महीने में दो बार भी, चार बार भी। कभी रात को भी रुके हो वहाँ पर? बिल्कुल, कई कई दिन रुके हैं। क्या माहौल कैसा लगता है? अपने घर में नहीं लड़की सेफ होगी जितनी यहाँ से, क्योंकि बचपन से हम खुद आ रहे हैं मैम। लेकिन डेरा सच्चा सौदा के माहौल की बात करें तो पिछले 3-4 साल पहले टीवी पे मीडिया में बहुत अलग दिखाया जा रहा था। क्या कहना चाहोगे फिर जो टीवी में दिखाया जा रहा था? मीडिया का क्या है, जो रियल है या तो हमसे पूछो या डेरे में आके देखो। वैसे तो कोई भी कुछ भी बोल देगा, बोलने से क्या होता है? बोलने के लिए तो मैं आपके बारे में कुछ भी बोल सकती हूँ। सच्चाई क्या है, गुरुजी का स्वभाव कैसा है? उनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, ना उनके जैसा कोई दयालु है। उनके लिए तो कहने के लिए शब्द ही नहीं है। आपको कितनी आस्था, कितना विश्वास है उनके? आस्था, हम उनके लिए हंसते हंसते अपनी जान दे सकते हैं। इतनी आस्था क्यों? ऐसा आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया जो आज भी आप उनके ऊपर इतनी आस्था, इतना विश्वास करते हो? इस दर से जुड़ने से पहले ना राक्षस की जिंदगी थी समझो। अगर हम नहीं जुड़ते तो पता नहीं समाज में शायद बहुत बुरे इंसान होते, क्योंकि जो पीछे से बुजुर्गों का चला आ रहा था, मांस मिट्टी ड्रिंक, जैसे विरासत में ही मिला था। और इस दर से जुड़ के हम ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सुधर गई, हमारे बच्चों की लाइफ बन गई, हमारी तो बनी ही है। क्योंकि जिंदगी, असल जिंदगी क्या है, कैसे जीनी चाहिए, यही आगे पता चला है। मैम, एक तरफ जैसे आपकी आस्था है, दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। सब झूठ है जी, बिल्कुल सरासर। एक पता नहीं, मतलब हमारी तो जुबान नहीं काम करती आने के लिए। एक बार कोई देखे तो सही आके कि रियल है क्या चीज़। एक बाप से ज़्यादा बच्चा कहीं सेफ नहीं होता, लेकिन आज जो समाज है मेरे ख्याल से वहाँ सेफ नहीं होगी लड़की। लेकिन जितनी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम के दर पे सेफ है। मैम, आज कितने लोग हैं जो गुरुजी के साथ खड़े हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं उनके लिए? सभी है मेरे ख्याल से, तो कोई नहीं है हटा, कोई एक आध जो उसके बारे में नहीं कह सकते हम। क्यों है मैम, मतलब लोगों के लिए किया क्या है गुरुजी ने? क्या नहीं किया उन्होंने, किन्नरों के लिए नहीं किया, बेटियों के लिए नहीं किया, जो गंदगी में फंसी हुई थी वेश्यावृत्ति में, उनको इस गंदगी से निकाला है। समाज में ऐसा कौन सा काम है जो संत गुरमीत राम रहीम ने नहीं किया? सफाई के बारे में, मतलब हर चीज़ के बारे में, गरीब के लिए, गरीबों को राशन देना, कपड़े देना, टॉयज देना, जीते जी गुर्दा दान करना, आँखें दान करना, यहाँ तक कि अपना शरीर दान करना, कौन देता है? अपनों के लिए भी कोई एक बूंद खून की नहीं देता। यहाँ एक आवाज़ दे के देखो आप, टैंक के टैंक भर के ले जाओ, थैलियों की तो छोड़ो। मैम, कोई दान चढ़ावा लिया जाता है कि आप? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमसे पूछो ना आगे, क्योंकि मैं किसी और के बारे में नहीं कहती, हमने खुद जिया है यहाँ पे। मैं 10-12 साल की होगी तब मैंने नाम लिया था, लेकिन हमने तो कभी नहीं कभी दान दिया हो, कुछ किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली बकवास है, मनगढ़ंत है लोगों की।
जरूरत है मैम आज संत जी की समाज। बिल्कुल जी, समाज में देखो क्या हाल हो रहा है, 3-4 सालों से प्रभाव साहब है, किसी की बेटी बहु बेटी सेफ है आज समाज में, बाहर नहीं निकल सकती वो, हर जगह गुंडागर्दी नशा कितना फैला हुआ है, कौन सेफ, लड़कियां क्या लड़के सेफ नहीं है, लड़के भी सेफ नहीं है, लड़की 3-4 सालों से प्रभाव क्या पड़ा है समाज के, समाज पे तो विले की तरफ जा रहा है, यही हाल रहा ना, इस समाज का कुछ नहीं होना फिर, अगर इस समाज को आजाद जितनी संत डॉक्टर गुरमीत राम रमीज की ज़रूरत है ना, ये दुनिया पछताएगी फिर। क्या आप समाज के लोगों को क्या बताना चाहोगे जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा को मीडिया के द्वारा देखा है, गुरुजी को मीडिया के द्वारा जाना है, क्या कहना चाहोगे अपनी वीडियो? वो आंखें मूंद के क्यों मीडिया की सुनते हैं, एक बार रियल देखें तो, एक बार असलियत खुद देखें ना, किसी के कहने से क्या क्यों मान रहे हैं वो, अगर उनके मन अंदर कोई डाउट है तो वो खुद आके देखें कि है क्या सच्चाई क्या है। एक चीज़ खरीदते हैं हम, कुछ भी करते हैं उसकी इतनी जांच पड़ताल करते हैं, और किसी के बारे में इतने बड़े बड़े लांछन लगा दिए, क्या एक बार ये नहीं सोचता कि सच्चाई क्या है, हम खुद जाने। क्यों मैम आपको ऐसा क्यों लगता है अभी गुरुजी के ऊपर झूठे लगाए जा रहे हैं, गुरुजी के ऊपर झूठे क्यों लगाएंगे? ये मैम आपको क्या लगता है सजा ये सब मिल? ये सब राजनीतिक स्टंट है बिल्कुल सरासर। अब वो नशा छुड़वा रहे हैं, जो नशा बेचने वाले हैं वो नहीं चाहते, जो राजनीतिक पार्टी है वो चाहती है कि कहीं ये खुद ना इसमें आ जाए। सजा किसको मिल रही है मैम, संत जी को या पूरे समाज को? समाज को मिली है, संतों को क्या सजा मिलती है? क्या मांग करना चाहोगे सरकार से? हमारे गुरु जी को जल्द से जल्द हम सबके बीच, ताकि समाज दलदल में फंसता जा रहा है ना, इसको बचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों हम आपके सामने बात रख रहे हैं जो लोग डेरा सच्चा सौदा में जाते हैं, जो दिन रात वहां पर रुकते हैं, आश्रम में रहते हैं, गुरुजी को एक दो नहीं 35 सालों से जानते हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए आखिर सच क्या है, वो चंद लोग, चंद सूत्र या ये लोग जो चीख चीख कर बता रहे हैं कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठा बदनाम किया जा रहा है डेरा सच्चा सौदा को, झूठे संत जी को, एक समाज सुधारक को फंसाया जा रहा है जिन्होंने समाज के लिए वैश्या तप को बेटी बनाया। खुले दिमाग से जरूर सोचिएगा दोस्तों, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। देखते रहिए द फैक्ट आई, और सच का साथ जरूर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।